आज की हमारी इस क्लासेस में हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशंस। और मिस्टर ईशान जी, मैंने आपको ऑडियो अलाउ कर दिया है, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेशन, हम आपकी तीसरी क्लास में मैं आपको कैलकुलेशन क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो कैलकुलेशन मतलब कि आप कोई भी छोटी मोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को या बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर सके, क्योंकि आगे चल के जब हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम पढ़ेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग और भी चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम पहले इसको पढ़ के प्रिपेयर हो जाए। सही। तो कैलकुलेशन देखिए क्या है कि आपका हर एक, पहले कैलकुलेशन से पहले हम एक्सेल के एडिशन सिस्टम को समझते हैं कि आपके पास जो एक्सेल है, हर एक्सेल का एक फाइल नेम होता है, एक सीट नेम होता है, एक कॉलम नेम होता है, एक रो नंबर होता है और एक सेल नंबर होता है, ताकि उसको एड्रेस किया जाए। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, मुझे A1 की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करना है, यहाँ पे कुछ ऐड करके प्रिंट करना है। यहाँ पे हम A1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर कुछ ऐड बैक करना है तो इस पर हम अपना ऑपरेटर इस्तेमाल कर दें। तो यहाँ पे A1 में +20 नहीं हो रहा है, A1 की वैल्यू में +20 हो रहा है। A1 क्या है आपका? एक एड्रेस है, एक सेल का एड्रेस है जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर है। ये तो सिर्फ बेसिक फंडामेंटल है, लेकिन क्या है सर, सब्जेक्ट में है तो पढ़ा देता हूं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जस्ट A1 लिखा है। अगर यही चीज को मैं दूसरे सीट से करता तो मुझे सीट का नेम है तो सिलेक्ट करना पड़ता या फिर लिखना पड़ता। तब यहाँ पे आप देखिए सीट नेम के साथ A1 आया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप सिंपल अपने गांव का, अपने मोहल्ले का नाम बताइएगा। यहाँ पे लेकिन यही बात अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, आप भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट नेम के साथ गांव का नाम या मोहल्ले का नाम बताएंगे। से यहाँ पे हुआ कि अगर आप सेम सीट के किसी रेफरेंस को कॉल कर रहे हो तो आपको उसके सीट नेम की जरूरत नहीं है। अगर आप बेबी देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन यही चीज आप दूसरे सीट के साथ जाते हैं तो सीट नेम आपको देना पड़ेगा। और यही बात अगर हम फाइल नेम के साथ करें, जो हमारा फाइल है, मान लीजिए फाइल हमारे पास डेटा है, तो अगर मैंने बुक 1 से डेटा को लिंक किया तो उसका फाइल नेम भी इसके साथ आएगा। राइट सर? ओके, सो डेटा फाइल नेम देन उसको सेल नेम एंड जो भी फॉर्मूला है। ओके, लेकिन इसमें सीट नेम भी आना चाहिए, बट क्यों नहीं सीट नेम क्यों नहीं आया? सीट नेम भी आना चाहिए। अभी कुछ नहीं दिख रहा, जैसे मैं इस फाइल को क्लोज करूंगा, मैं क्लोज कर दिया, अब देखिए अब पूरा पाथ आ रहा है। तो मेरे पास इसलिए बताया था क्योंकि मेरे पास किसी ने कॉल करके मैं आधा घंटा खा गया था किसी चीज के लिए कि सर आप जो वीडियो, आप जो फाइल वीडियो का बना रहे, लगा रहे थे, तो आपने फाइल नेम दिख रहा था, बट मेरे फाइल नेम नहीं दिख रहा है, फाइल का पूरा पाथ नहीं दिख रहा है। मैंने कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं था। फिर मैं ध्यान दिया कि जब आपकी फाइल ओपन है तो आपका रेफरेंस में पूरा नहीं दिखेगा। ओके, जैसे फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ फाइल का नेम दिखेगा, क्योंकि फाइल इसकी ऑफिस की लाइब्रेरी में आ गया है, तो फिर इसको एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। जैसे फाइल क्लोज होगी, मतलब कि लाइब्रेरी से बाहर हो जाएगी, तो पूरा एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आज चलते कैलकुलेशन। तो अब एड्रेसिंग सिस्टम का क्या फायदा होता है, ताकि हम ऑप्टिमाइज करिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ आता है कि प्रोग्रामर ने एड्रेसिंग सिस्टम क्यों किया।
जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए 20 लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा है, तो आप इक्वल करके 20+30 कर सकते, रिजल्ट आपका आ जाएगा। या फिर इक्वल करके आप C3+D3 करेंगे तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। दोनों का रिजल्ट सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि ये लिंक्ड है, ये लिंक नहीं है। अगर मैं 20 को 30 कर देता हूं तो रिजल्ट अपना अपडेट कर देगा, बट ये अपना रिजल्ट अपडेट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये एडिशन सिस्टम का यूज किया गया है। अब इसका एक और फायदा है कि मुझे मान लीजिए सम में 20 ऐड करना है, सम में मुझे 20 ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे या फिर A1 लिखेंगे और प्लस 20 कर देंगे। अब मुझे हर चीज में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम इसको ड्रैग करें या कॉपी पेस्ट करें, हमारा जो एड्रेस है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज हुआ, A1 A2 बन गया, A3 A4 A5 बन गया। क्या हुआ अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, तो आपको हर सेल में जाके A2+20 A3+20 करना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता अगर आपके पास लाख दो लाख डेटा होता तो। राइट सर जी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मुझे यहां पे 20 ऐड करना है, ये चीज हम यहां डिसाइड नहीं कर रहे, मैं यहां पे B1 पे 20 लिख जाता हूं। एक सेकंड सर जी। तो मेरा D1 पे लिखा हुआ है 20 और मुझे इसको ऐड करना है, तो अब मैंने यहां पे A1+D1 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये जो इंक्रीज वाला ऑप्शन हर रेफरेंस पे चलता है, D1 यहां चला तो यहां भी अगर A2 हुआ तो यहां भी D2 हो गया। अब यहां पे आ गई प्रॉब्लम कि मुझे अपने हिसाब से इंक्रीज करवाना है और इंक्रीज नहीं करवाना है, तो मैं डिसाइड करूंगा। तो इसके लिए जिस इसमें क्या है कि एड्रेस में आपके पास होता है अल्फा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक आपका होता है 1 इज द रो नंबर एंड D इज द कॉलम नंबर, मुझे रो को इंक्रीज होने से रोकना है। इसके आगे मैं डॉलर का साइन लगा दूंगा, तो डॉलर का साइन लगाने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो D1 हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है।
राइट लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने सिर्फ वन को फ्रीज किया है, अगर मैंने इसको कॉलम वाइज यहाँ ड्रैग किया तो डी क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। राइट क्या करेंगे इसलिए सर, ई को फ्रीज और डी के आगे भी हम डॉलर लगा दें। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एड्रेसिंग सिस्टम समझ में आ गया। राइट या अब चलिए कैलकुलेशन को समझते हैं। कैलकुलेशन को समझने के लिए इन टॉपिक पर आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वार्टर वन और क्वार्टर टू है, इसका डेटा आया हो, तो क्वार्टर टू वन में 20 एंड क्वार्टर टू में 22 सेल किया है, तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ का फॉर्मूला एक्सेल में है या नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि दो चीजें हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 20 और 30 को सम करना है, आपके पास एक सम का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इनबिल्ट फॉर्मूला। आपको बस अप्लाई करना है, इसके अंदर रेफरेंस देना है, ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दे देगा, राइट। बट ये फॉर्मूला लिमिटेड है, आपकी हो सकती है कि ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट ऐसी हो जिसके लिए एक्सेल फॉर्मूला नहीं हो, जैसे कि यहाँ ग्रोथ, मेरे पास ग्रोथ के लिए फॉर्मूला एक्सेल में मान लीजिए नहीं। आप उसको नोट पैड से कैसे निकालते हैं, आपके पेन और पेंसिल दे दिया जाए तो आप सीधे करेंगे क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन कर देंगे ना सर। अब मुझे इस कंसेप्ट को यहां एक्सप्लेन करना है, तो क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन, राइट। शांति बताइए क्या रिजल्ट सही आएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं, क्यों एक्चुअली में इसमें कुछ वो बीच में कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, आई थिंक वो एंड साइन एंड कॉमा वगैरह जो भी। नहीं नहीं नहीं, बोर्ड मास मेथड पढ़ा था आपने, याद है, पढ़ा ही होगा, याद हो पता ना, लेकिन पढ़ा था आपने सर, कौन सा बोर्ड मास मेथड, मुझे याद नहीं अभी, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना कैलकुलेशन पर, जी ब्रैकेट्स, राइट राइट राइट, अच्छा बोर्ड मास, ओके बोर्ड मास क्या सर, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं ना सर, हम लोग पढ़ने से गड़बड़ हो सकता है, बस भावना को समझिए। नहीं नहीं बिल्कुल, तो बोर्ड मास मेथड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, देन माइनस होता है, क्योंकि यहाँ नीड क्या है, फर्स्ट माइनस देन डिवाइड, तो हम क्या करेंगे फिर, अब ब्रैकेट में प्रेफरेंस होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेट होता है, हम उसको ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि ब्रैकेट कैलकुलेट होगा, फिर उस रिजल्ट को डिवाइड करेगा और फिर उसको हम परसेंट रिजल्ट आपके सामने, राइट। अंकल लिए कुछ और एग्जांपल देते हैं आपको, अब अगला एग्जांपल यहाँ पे आता है कि मान लीजिए पी है, आर है और टी है, प्रिंसिपल हमारे पास मान लीजिए 50,000 है, राइट, आपका मान लीजिए 10% है और टाइम 3 साल है। अब इसका मुझे ये निकालना है, क्या बोलते हैं, अमाउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं अमाउंट सर, मतलब टोटल अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट, हेलो
अमाउंट के लिए एक्सेल में फॉर्मूला तो है, बट हम इसकी अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करना चाहते हैं। तो मैंने पढ़ा था, हो सकता है आप कुछ और पढ़े हो, मैंने पढ़ा था P × T/100 ऐसा कुछ था। हम ये पढ़ते हैं कि P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R डिवाइड बाय N पावर ऑफ P मल्टीप्लाई बाय ये फॉर्मूला हमारा था। यहाँ पे n क्या है, n है कि आपका जो इंटरेस्ट निकालना उसका पीरियड क्या है नंबर। आप अगर मंथली है तो 12, क्वार्टरली है तो आपको 4, हाफ ईयरली है तो 2, ईयरली है तो 1। ओके, यहाँ पे दो चीजें प्रॉब्लम आती है, जैसे इतनी कैलकुलेशन को अगर हम एक साथ करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, कहीं पे कॉमा ब्रैकेट छूट सकता है ना। अब यहाँ पे दूसरी आप बात कर रहे हैं फॉर्मूला मर्जिंग, हम कैलकुलेशन को स्प्लिट करेंगे कैसे देखिए। हम सबसे पहले करते हैं R डिवाइड बाई N, मतलब कि R को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, 1 प्लस R डिवाइड बाई N, फिर N मल्टीप्लाई बाई N, 1 प्लस R डिवाइड बाई N पावर ऑफ P मल्टीप्लाई बाई N, और फिर इसको हम P से मल्टीप्लाई करते हैं। आपके सामने कैलकुलेशन करने में तो बड़ी आसानी हुई, बट यहां पे छोटा सा दिक्कत आता है कि फिर इसको आपस में एक सेल में मर्ज कैसे करें। मर्ज करना दिक्कत, राइट। तो हम बात करते हैं, इसको देखते हैं एलिंक किससे है, C14 से है। C14 पर जाते हैं, C14 में लगाया फॉर्मूला, तो C14 का फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं और यहाँ C14 में आते हैं और C14 में इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, वापस D14 का फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और D14 का है यहाँ है, जगह पे ब्रैकेट में रखता हूं ताकि कैलकुलेशन का सीक्वेंस ना मिले और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ऐसे आप E14 का डेट के फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं और जहां पे E14 है वहां पे उसको पेस्ट कर देते हैं, और फिर F14 का जो फॉर्मूला है उस F14 को पेस्ट कर देते हैं इन द ब्रैकेट, और फिर इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इतना तो वैसे भी कर सकते थे कि कौन सा बड़ा तोड़ता है। अब अगला एग्जांपल हम आपको बताते हैं जिसमें आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं सर आपने आपका तरीका ही बेस्ट है। तो अगला एग्जांपल क्या है कि मेरे पास है MRP, MRP निकालना है और कॉस्ट मेरे पास है कि किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपीज है, मुझे इसका MRP कैसे। मैन्युफैक्चरर है वो बोलता है कि मैं 5% का प्रॉफिट रखता हूँ और मैं दे देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर 50%, जिसमें कहता हूँ कि जो मुझे खरीद पड़ती है उसका मुझे 10% का कमीशन मिलता है, कन्वीशन को ऐड करके हम होलसेल को पास आउट करते हैं। होलसेल करता है कि जो मुझे खरीद पड़ती है उसका 15% का मार्जिन रखता हूं और आगे पास आउट कर देता हूं किसको, रिटेलर। रिटेलर कहता है कि मेरी जो खरीद है उसका मैं 20% का मार्जिन रखता हूं और मैं रिटेल कंज्यूमर को दे देता हूं। सारे कैलकुलेशन को मुझे एक सेल में करना है जैसे कि हमने यहाँ पे किया, राइट। बस वही मेथड कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी करते समय आप इक्वल को सिलेक्ट मत कीजिए। अब यहाँ पे D11 है, D18,
डिलीट किया, इसके जगह पे D18 का फॉर्मूला रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे D19 को कॉपी किया और जहां जहां D19 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। और इसी प्रोसीजर को हम हर सेल में फॉलो करते चले जाएंगे, हर किसी का लिंक तोड़ते चले जाएंगे और देखते रहिएगा कि आपका रिजल्ट तो नहीं बिगड़ रहा है। रिजल्ट बिगड़ रहा है मतलब आपने कहीं भी गलती की है। ये फॉर्मूला बड़ा आकार लेता जाए। इससे एक चीज और पता चलेगा, जो कॉम्प्लिकेटेड बड़े बड़े फॉर्मूले आप देखते हैं स्प्लिट होके बनते हैं। मेरा तरीका है सर, याद रखिएगा, अगर कहीं इसको देखते हैं तो मेरी नकल कर रहा है क्योंकि तो इसको 2007 में मैंने जान लिया। इसको कट कीजिए, जहां रखना हो रखिए, कट कीजिए, कॉपी बना देते हैं। इतना लंबा फॉर्मूला आप लिख पाते हैं? सही, एग्जैक्टली, हां, दिस वाज ह्यूज। यही हमारा फॉर्मूला मर्जी में था। तो कैलकुलेशन में इसी तरह से आप अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक में अपने आपको रिपीट करूं तो इसमें पहला जो था 2.5% मार्जिन दो प्रोड्यूसर पे था, वो गया नेक्स्ट बनने को, उसने वो एज बेस प्राइस लेके उस पे अपना 10% लगाया, बिकेम 57, उसने अब होलसेल ने वो बेस प्राइस लेके उस पे 15% व्हाटएवर जो भी है। ठीक है सर, तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, कल मुलाकात करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर, ओके, बिल्कुल सर।